नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो एसएससी जीडी के हर एक स्टूडेंट के लिए होने वाला है जिसने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है कि इस बार मुझे फौजी बनना है, इस बार मुझे एसएससी जीडी की जॉब लेकर फौजी बनने का जो सपना है, खाकी वर्दी का जो सपना है, उसको पूरा करना है। उसके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि देखिए आज की वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट मोटिवेट हो जाएंगे और कुछ 1-2% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट मोटिवेट हो रहे होंगे उनके लिए तो ये अच्छी खबर होगी, और जो स्टूडेंट डीमोटिवेट हो रहे होंगे उनके लिए बुरी खबर होने वाली है। और साथ में कुछ बहुत ही शानदार चीज आपके लिए हुई है, उसके बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अच्छी खबर की बात कर लेते हैं कि किन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक आपके पास एक ऐसा मौका आया है जो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, और मैं सबसे पहले बता देता हूं कि मैं राज्य वाइज आपको बताते हुआ चलूंगा, स्टेट वाइज बताता हुआ चलूंगा कि कौन से स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है जिसका आप वेट कर रहे थे, और कौन से स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ये डीमोटिवेट हो सकता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहा होता है कि काश हमें बहुत ज्यादा ये चीज मिल जाती। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर जी ऐसा क्या है, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं लेकिन कुछ स्टूडेंट डीमोटिवेट होंगे उनके लिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि सफलता उसी को मिलती है जिसके सपने उसके बहानों से बड़े हो जाते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को कि सफलता उसी को मिलती है जिसके सपने उसके बहानों से बड़े हो जाते हैं। अब आपका बहाना बड़ा है या आपका सपना बड़ा है ये आप खुद डिसाइड कर लेना, क्योंकि जो स्टूडेंट मोटिवेट हो जाएगा समझ लो उसका सपना बड़ा है, उसका लक्ष्य बड़ा है। और जो स्टूडेंट इस बात से डीमोटिवेट हो रहा होगा ये समझ लो भाई तेरा सपना बहुत छोटा है, तूने किसी को देख के ये सपना बुना था कि मुझे वो भी फौजी बन रहा है तो मैं भी बन लेता हूं, सरकारी नौकरी मिल रही है तो कर लेते हैं, तो आपको आज ही पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं कुछ स्टेट्स की बात करता हूं। अब देखिए ये सबसे पहले ये वैकेंसीज हम देख लेते हैं। वैसे तो मैंने कल आपको बता दिया था, आज इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है ना वो 26,146 वैकेंसी है। पहले तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बताया गया था कि बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है, 50,000 70,000 80,000 100,000 तक भी पहुंचा दी गई थी। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आया जहां पर 26,000 उनको दिखाई दिया वो डीमोटिवेट हो गए थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनका लक्ष्य था कि इस बार कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए मुझे मेहनत करनी है, तो वो 26,000 के लिए भी मेहनत कर रहे थे। लेकिन फिर उनको स्टेट वाइज कल ही क्या है कि स्टेट वाइज बता दिया गया कि आपकी इतनी इतनी वैकेंसी है। तो जो स्टूडेंट डीमोटिवेट हो रहे हैं उनको एक बात समझा देता हूं, पहले देख लेते हैं कि कौन से स्टेट से कितनी कितनी वैकेंसी है। आप भी इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि वो इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ था उसमें समझ में नहीं आया होगा आपको, तो आपके लिए सरल करके मैं लाया हूं। फिर मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज सिखा के जाऊंगा जो आपको दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन जो भी अब मैं आपको वैकेंसी बताने वाला हूं ना उसमें एसएसएफ की वैकेंसी नहीं होगी, जिसमें 222 तो क्या है लड़कों के लिए है, ठीक है, और 74 लड़कियों के लिए है, 296 टोटल वैकेंसी है। क्यों? क्योंकि जो इसकी कट ऑफ है ना वो ऑल इंडिया की जाती है, यानी पूरे देश की एक ही कट ऑफ जाती है, सिर्फ एसएसएफ की। एनसीबी में कोई इस बार वैकेंसी नहीं है तो इसके बारे में तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ एसएसएफ के बारे में आप सोच लेना कि ये अलग हो गई। ठीक है, तो चलिए कुछ ऐसे स्टेट मैं बताता हूं सबसे पहले मैं आपको जिन स्टूडेंट की बल्ले बल्ले हो गई है, यानी कि क्योंकि इसके बल्ले बल्ले क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट यही चाहते हैं कि हमारे स्टेट में ज्यादा वैकेंसी आए ताकि कम मेहनत में हमारा सिलेक्शन हो जाए, कम कट ऑफ जाइए, जो कट ऑफ के बारे में भी पूछते रहते हैं, कम कट ऑफ जाएगी तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेट पता है कौन सा है? सबसे पहला स्टेट है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा मौका है। हमारे साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से, पिछली बार भी हमसे पढ़कर बहुत सारे पश्चिम बंगाल के स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। इस बार 2,855 वैकेंसी है
वो पश्चिम बंगाल वाले स्टूडेंट के लिए आ रही है। तो ये समझ लो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही शानदार मौका है, इस मौके को दोबारा गवाना मत, क्योंकि ऐसा मौका पश्चिम बंगाल वाले स्टूडेंट के लिए दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि एक बार इतनी वैकेंसी निकाल दी जाती है ना, आपको पता है कि आपके स्टेट से कितने स्टूडेंट हैं एसएससी जीडी के लिए तैयारी करते हैं, कितनों को वो अपॉर्चुनिटी मिल पाती है कि वो फौज में जाकर देश की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया पश्चिम बंगाल। दूसरा बात कर रहा हूं मैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 555 वैकेंसी है, तो उड़ीसा से भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो हमसे जुड़े हुए हैं सॉरी, तो आपके लिए भी क्या है, एक बहुत अच्छा मौका है। 555 वैकेंसी उड़ीसा के लिए काफी ज्यादा है। अब जिनको लग रहा होगा सर जी 555 ही तो है, हमारा तो बहुत बड़ा स्टेट है, अभी आपको आगे पता चलेगा, रुक जाओ तब आपको मोटिवेशन मिलेगा ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरी बात करें, असम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है जो इस बार आई है। 1593 वैकेंसी है वो असम वाले स्टूडेंट के लिए आई है। ये वाले स्टूडेंट मुझे देखिए, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, असम वाले स्टूडेंट है काफी मेहनत करते हैं। और आप में से कौन कौन स्टूडेंट है, किस किस स्टेट से, किस किस राज्य से बिलोंग करता है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप कहां कहां से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो असम वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, अभी छोड़ के नहीं जाना, कहीं असम वाले देख ले कि हां भाग गए, अरे इंपॉर्टेंट बात बताना तो बाकी है। ठीक है, पहले एक बार सभी स्टेट का बता देता हूं, उन्होंने आपका देखा है तो आप भी उनका देख लीजिए। चौथे नंबर पे है छत्तीसगढ़, 566 वैकेंसी, बहुत सारे स्टूडेंट है जो छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हुए हैं, और ये भी स्टूडेंट बहुत अच्छी मेहनत करते हैं भाई। ठीक है, पहले यहां पर कंपटीशन बढ़ा रहे हैं ना स्टूडेंट, इनकी मेहनत बढ़ा रही है, इस बार वैकेंसी भी आपके लिए बढ़ा दी है, तो 566 वैकेंसी है इनके लिए है। उसके बाद जम्मू कश्मीर वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है, 724 वैकेंसी, और ये तो अभी 26,000 में बता रहा हूं, अगर वैकेंसी बढ़ती है तो आपको फायदा और मिलेगा। ठीक है, ये तो अभी के लिए है, अभी के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इन स्टेट वालों के लिए जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। फिर वैकेंसी अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, जिसके चांस होने के बिल्कुल, लेकिन अगर इंक्रीज होती है तो आपको और भी फायदा मिलेगा, तो आपको रुकना नहीं है, इन स्टेट वालों को तो रुकना ही नहीं है। अगर थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हो ना, तो अब और जबरदस्त तरीके से लग जाओ, 60 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, जिसमें और तगड़ी मेहनत कर लो। उसके बाद जम्मू कश्मीर का मैंने बता दिया, फिर है झारखंड वाले स्टूडेंट, 1123 वैकेंसी। झारखंड वालों ये समझ लो भाई कि आपके पास ऐसा मौका दोबारा आएगा ही नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, ये वो स्टेट मैंने सिलेक्ट किए हैं जिनके लिए बल्ले बल्ले हुई है, जहां पर बहुत कम स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। आपको लगता होगा कि काफी वैकेंसी, आप यूपी में जाके देखो, आप बिहार में जाके देखो, आप हरियाणा में जाके देखो, आप राजस्थान में जाके देखो, तब आपको पता चलेगा कितनी भीड़ होती है और कितनी वैकेंसी निकलती है, समझ रहे हो। आपके स्टेट से तो बहुत कम, एक तो स्टेट भी वैसे ही छोटा है, ठीक है, और वहां पर फॉर्म भी कम भरे जाते हैं एसएससी जीडी के लिए, तो आपको लिए बहुत अच्छा मौका आया इस बार। ठीक है, उसके बाद जो केरल वाले स्टूडेंट है, देखिए केरल वाले स्टूडेंट कम इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी रहते हैं भाई, उनके लिए बता देता हूं कि 702 वैकेंसी है वो आपके लिए है, और बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद नागालैंड वाले स्टूडेंट है, ये भी काफी मेहनत करते हैं, और 437 वैकेंसी है भाई, जिंदगी बदल जाएगी नागालैंड वालों, अगर मेहनत कर लोगे तो। ठीक है, सरकारी नौकरी आप सभी जानते हो कि जीवन ही बदल देगा आपका, पूरा जीवन बदल देगा, आपकी पूरी परिवार का, पूरी फैमिली का जीवन बदल देगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद मैं बात करूं तमिलनाडु वाले स्टूडेंट के लिए, तमिलनाडु वाले स्टूडेंट के लिए 807 वैकेंसी है, बहुत सारे स्टूडेंट तमिलनाडु से भी है हमारे पास। ठीक है, और तेलंगाना 664 वैकेंसी। ये अभी मैंने जितने भी स्टेट्स बताए हैं, अगर आप इनसे बिलोंग करते हो तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि और स्टेट की नहीं बताऊंगा, रुक जाओ, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो जितने भी मैंने ये यहां पर बताए हैं, तो आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ छोड़ के 60 दिन बचे हुए, सिर्फ 60 दिन एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए मेहनत कर लो, मेरे कहने से आप याद करोगे कि सर ने बोला था और हमारा जीवन बदल गया। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, पढ़ते रहो उनसे, जब तक क्लास आती है उनसे पढ़ते रहो, क्लास तो आती रहेगी, उनसे भी पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है,
मैं बता रहा हूं हर एक चीज को घोट के पी जाओ, कटोप भी ज्यादा नहीं जाती आपकी, ठीक है। अरे भाई अगर हरियाणा यूपी बिहार राजस्थान से होते ना तब आपको पता चलता, ऐसा मौका मिल रहा है हरियाणा राजस्थान यूपी बिहार वालों को, ऐसा मौका मिल जाए ना तो वो खुशी से फूले ना समाए, ठीक है। 60 दिन बिना सोए पढ़ ले वो, ये रियलिटी बता रहा हूं, मेहनत ज्यादा करते हैं वहां के स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लोगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। चलो अब आते हैं उन स्टूडेंट उन स्टेट्स के ऊपर जिन स्टेट्स में वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक है लेकिन मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब आपको अपना टारगेट है वो 80, आपको पता है कि 80 क्वेश्चन आने वाले हैं तो मिनिमम 60 प्लस का टारगेट आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जितना टारगेट लेके चलते हो आप सभी जानते हो उससे कम ही स्कोर आता है। तो मैं उन स्टेट के लिए बता देता हूं। अब उन स्टेट में सबसे पहले उत्तराखंड है भाई, उत्तराखंड में 507 वैकेंसी है, ये भी अच्छा स्टेट है, यहां से भी स्टूडेंट मेहनत करने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ एरिया में आ गया ना तो यहां से क्या हो रहा है संपर्क हो रहा है। महाराष्ट्र पहले कट ऑफ कम जाती थी, पिछली दो बार से यहां पर कट ऑफ क्या हुई है अच्छी हुई है, तो वैकेंसी भी आपके लिए अच्छी है, 1057 है, 26,000 में 1057 आपको दी गई है, सोच के देख लो। महाराष्ट्र से जितने भी स्टूडेंट है मौका दोबारा नहीं मिलता ऐसे, ठीक है, फिर करते रहना वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, फिर नहीं आती, फिर जब क्योंकि एक बार जिस स्टेट में आ गई ना अगली बार कम आएगी, आप सोच रहे हो ना कि 2025 वाली में कर लेंगे उसमें कम आएगी, जिसमें एक बार ज्यादा आ गई उसमें कम आएगी भाई, ठीक है। क्या है फिर गुजरात वाले स्टूडेंट है 758 वैकेंसी, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत थोड़ा सा जोर और लगाओगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। हिमाचल वाले स्टूडेंट है इनकी कम वैकेंसी आई है भाई 96, ठीक है, तो हिमाचल वालों को तो मैं मुझे रेड जोन में ही रखना चाहिए था लेकिन चलो कोई बात नहीं, रेड जोन मतलब जिसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, जिसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा मेहनत, क्योंकि जब वैकेंसी बहुत कम होती है ना 96 वैकेंसी यार कुछ भी नहीं होती, ठीक है, तो भाई इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो भी हिमाचल प्रदेश से है, लग जाओ जी जान से। उसके बाद क्या है भाई कर्नाटक है जिसमें 532 वैकेंसी है, पंजाब है 548 वैकेंसी है, मैंने ये स्टेट लिखी है जिसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर कट ऑफ बढ़ती हुई जा रही है पिछले सालों से, कुछ सालों से 2021 में बढ़ी फिर 22 में बढ़ी है और अब फिर ये जो 24 वाली वैकेंसी है इसमें भी बढ़ने वाली है, तो यहां पर मेहनत करना स्टार्ट कर दो अगर आप इनसे बिलोंग करते हो। आंध्र प्रदेश से है तो 833 वैकेंसी है, आपके लिए ठीक ठाक वैकेंसी है भाई, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाले स्टूडेंट के लिए ठीक ठाक वैकेंसी है, आप थोड़ी मेहनत और करोगे तो भाई लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से है 335 वैकेंसी है, चंडीगढ़ से हो तो 566 वैकेंसी है, चंडीगढ़ है सिर्फ चंडीगढ़, चंडीगढ़ से 566 वैकेंसी है, तो मतलब काफी अच्छी वैकेंसी आपके लिए है, चंडीगढ़ से भी अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो भाई आपके लिए भी अच्छी वैकेंसी है, कमेंट करके जरूर बताना आप कहां कहां से बिलोंग करते हो। उसके बाद मणिपुर मेघालय मिजोरम ये तीनों एक साथ ही हैं, 191 336 326 और 437 वैकेंसी हैं, यहां पर अच्छी वैकेंसी है, थोड़ी मेहनत करोगे तो बात बन जाएगी क्योंकि यहां से भी कम ही स्टूडेंट हैं भाई, ठीक है, जो पूरे डेडिकेशन से मेहनत करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, फॉर्म भरने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे लेकिन इन स्टेट से कम ही स्टूडेंट क्या है कि कंटिन्यू मेहनत कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि थोड़े से में सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन वैकेंसी कम आई है तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये बात समझ में आ गया, तो ये जितने भी स्टेट मैंने बताए हैं अगर आपका फिर से छूट गया तो यहां पर देख सकते हो, इनको कम से कम 60 प्लस टारगेट लेके चलना है कि मुझे इतना स्कोर करना है तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, ऐसा नहीं कि ये कट ऑफ बताई है, मैंने कट ऑफ नहीं बताई कि ये टारगेट होना ही चाहिए मिनिमम, इससे नीचे तो बात नहीं बनेगी, ये सोच के चलो तभी सिलेक्शन ले पाओगे। अब आते हैं सबसे खतरनाक वाले स्टेट, जिन स्टेट्स के स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ेगी और जिन स्टेट के स्टूडेंट है थोड़े निराश है थोड़े उदास है उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है ना भाई, ज्यादा वैकेंसी आती है तो स्टूडेंट भी मोटिवेट रहता है, लेकिन मैं ये जो भी स्टेट बताने वाला हूं ना यहां के स्टूडेंट मेहनत करने वाले ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, देखिए बाकी स्टेट की भी मेहनत करते हैं लेकिन यहां के जो स्टूडेंट हैं वो फौज के लिए अपना पूरा डेडिकेशन देते हैं, सबसे ज्यादा जो फौज में है ना वो यहीं से हैं, क्योंकि ये एरिया भी बड़ा है और यहां से जो पूरा होता है ना फौज में फौजी बनने का
जुनून जज्बा वो इन स्टेट्स में थोड़ा ज्यादा है, अरे सभी में है, लेकिन भाई थोड़ी जागरूकता इधर यही है, एक अपॉर्चुनिटी यही है, ठीक है, बाकी स्टेट में तो और भी अपॉर्चुनिटी है लेकिन इधर यही है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए गोवा को मैंने इसलिए लिख लिया कि गोवा की सिर्फ 49 वैकेंसी है, इसलिए तो गोवा वाले स्टूडेंट देख लेंगे। अब आते हैं अपने मेन ये पांच स्टेट्स जिसमें है भाई हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और बिहार। देखिए मध्य प्रदेश के स्टूडेंट भी अब टक्कर देने लग गए हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने इन पांच स्टेट को रखा है। बिहार की 2289 वैकेंसी है, यूपी की 2215 वैकेंसी है, राजस्थान की 865 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश की 758 है, हरियाणा की 526 है। अब एक चीज बता देता हूं, देखिए राजस्थान कितना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन यूपी और बिहार के कंपैरिजन में कितनी कम वैकेंसी है। और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और फिर भी मेहनत नहीं करोगे ना तो बात नहीं बनेगी। अभी जितना पढ़ रहे थे मैं एक चीज बता देता हूं, इन सभी स्टेट के लिए है ये, अगर आप जितना पढ़ रहे थे भाई 8 घंटे अगर पढ़ रहे थे, और अगर 8 घंटे भी नहीं पढ़ रहे थे ना तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, और इस 8 घंटे को 10 घंटे पे ले जाओ, क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है और दिन रात बढ़ रहा है। अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़ते ना तो जो दूसरा पढ़ रहा है ना स्टूडेंट वो सिलेक्शन ले लेगा, इस बात को याद रख लेना, इस बात को याद रख लेना, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो दूसरा स्टूडेंट है वो सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक है भाई, इनके लिए थोड़ी उदासी की खबर है, लेकिन मुझे आशा है ये वाले स्टूडेंट हार नहीं मानते, इतना मुझे भी पता है और इतना उन स्टूडेंट को भी पता है, इससे भी कम वैकेंसी आती तो भी लड़ते कि हो सकता है वैकेंसी इंक्रीज हो और हमारा बेड़ा पार हो जाए, और नहीं भी होती तब भी मुझे इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूं और वो मुझे करनी है, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कुछ चीजों की डिमांड कर रहे थे, मैं उनके लिए बता देता हूं, भागना नहीं है अभी, रुक जाना, ठीक है, ये तो आपको अच्छा लगे तो कर देना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। जो स्टूडेंट जीके जीएस की बात कर रहे थे, तो भाई अपने ऐप पे जीके जीएस का कोर्स है वो मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया है, और भाई मेरा पूरा डेडिकेशन मैथ के ऊपर होने वाला है, गणित के ऊपर होने वाला है, तो इसलिए मैंने रीजनिंग का कोर्स भी है ना वो आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है अपने ऐप पे। मैं सिर्फ यूट्यूब पर आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि स्टूडेंट का मैथ कमजोर है, और अगर मैथ में ही स्कोर नहीं करेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट में तो कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा दिया, कुछ चैप्टर बचे हुए हैं वो आप ऐप पे देख सकते हो, और लास्ट में मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। जीके जीएस था, हिंदी तो मैंने वैसे ही करवा रखी है, और जो बचा हुआ है वो आता रहेगा, जब लास्ट में रिवीजन के टाइम पे हम कर लेंगे। हिंदी तो आपके लिए आसान है, मैंने नोट्स दे रखे हैं, यहां पर नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, बस अपने को ऐप इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पर मिल जाएगा, लेकिन ये रीजनिंग मैं नहीं पढ़ा रहा भाई, ठीक है, रीजनिंग यहां पर हमारे दूसरे बलवंत सर पढ़ा रहे हैं, बलवंत सर, ठीक है, वो आपको पढ़ा रहे होंगे, और जीके जी एस है वो कौन पढ़ा रहे हैं, एके चौधरी सर, एके सर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए बिल्कुल ऐप पे फ्री कर दिया है, तो जो भी आपके जीके को लेकर या रीजनिंग को लेकर ये था वो मैंने बता दिया है, और बाकी नोट्स भी वहां पर मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और हिंदी तो भाई आप मैंने जो नोट्स दिया ना उनसे पढ़ लो, ठीक है, और बाकी कुछ रहेगा तो लास्ट में रिवीजन हम करवा देंगे, फिर मैं सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब अपना पूरा फोकस है वो मैथ्स पे होना चाहिए, गणित पे होना चाहिए, क्योंकि मैंने पोल करके देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ समझ नहीं आता, मैथ में उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी प्रॉब्लम को मुझे सोल्व करना है, और वो भी खतरनाक तरीके से, अब आपको पता चलेगा, क्योंकि भाई देखिए सभी सब्जेक्ट पे ध्यान भटक जाता है ना, फिर सारी चीजें नहीं हो पाती कवर, ठीक है भाई, अपना जो मेन सब्जेक्ट है मैथ उसको लेके चलते हैं, और बाकी सब्जेक्ट में तो मैं आपकी हेल्प हमेशा करता रहा हूं और आगे भी हमेशा करता रहूंगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के चक्कर में मैं मेरा मैथ नहीं छोड़ सकता, ठीक है, जिससे मुझे प्यार है, जिससे मोहब्बत है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बाकी की वजह से उन पे फोकस नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो और बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, आप कहां से बिलोंग करते हो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट नया है, ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, मैथ मैं आपको इतना धुआंधार सिखा दूंगा वो आप जान जाओगे देखोगे जब, और अगर कोई भी भाई रीजनिंग पढ़नी है
आपको मैथ की क्लास पढ़नी है, दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हिंदी की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मैंने पढ़ाई हुई है वो आप देख सकते हो अगर आप नए स्टूडेंट हो तो, और पुराने वाला अभी तक नहीं जागे थे, आप जागे हो तो उनको भी देख लेना, ठीक है। बाकी अपने ऐप पे जाना हो, ये जो चीजें मैंने बताई है वो वहां पर आपको मिल जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी जानकारी पता चल सके कि भाई कितनी वैकेंसी है, कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। जब उनको ये वैकेंसी दिखेगी ना, तब उनको पता चलेगा कि भाई और मेहनत, सिर्फ 60 दिन, ये बात याद रखो, अगर 60 दिन मेहनत कर लोगे तो आने वाली जो 60 साल है ना वो मजे से गुजर जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा जुनून से, ज्यादा उत्साह से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।